हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग भी हमेशा की तरह भागा दौड़ी में शुरू करने जा रहे हैं हम दोनों। तो आज बिल्कुल सडन प्लान बना कि चलते हैं रामजन गांव गणपति को। तो बस यू ही हाईवे पे सिर्फ पेट्रोल फिल कर रहे थे हम लोग और मैप्स पे सर्च करके देखा नियर बाय प्लेसेस में, तो रामजन गांव गणपति कभी विजिट नहीं किए हम दोनों ने भी, तो बोला कि लेट्स गो रामजन गांव को चल के जाके आते हैं। मतलब सो नियर अबाउट 50-55-60 किलोमीटर्स है यहाँ से। तो ऐसे ही चलते चलते गाड़ी में हमने कहा कि चलो कोई व्लॉग बना देते, वैसे भी मेमोरेबल सा ये रहेगा आज का दिन एंड वैसे व्लॉग भी हो जाएगा। सो यहाँ पे चल रहे हैं हम लोग फिलहाल। तो मैप्स पे लोकेशन डाल दी है इसकी, एक डेढ़ घंटा बता रहा है यहाँ से। चलते चलते साथ में खाने के लिए ले आए भाई। सामने में मंदिर ऊपर दिख रहा है ना, गोल्डन कलर का उसका जो टॉप, तो वहां से भाई अपने पुणे का लोगाओं का एयरपोर्ट दिखता है वहां से, उसके टॉप से। तो भाई अभी इसके घर से कॉल आया था, जा रहे हो तो गणपति के लिए नारियल वगैरह प्रॉपर लेके जाओ, नहीं तो फिर घूमते घूमते हमेशा, हमने पेट्रोल पंप से कॉल किया पेट्रोल भर लिया है, अभी हम जा रहे हैं रामजन गांव के गणपति को। बस ऐसे ही हमारी हमेशा ऐसे ही कुछ ना कुछ मस्ती चलती रहती है गाइस। बहुत मजा आता है, लेकिन ऐसे ही मेमोरीज नहीं बनाए तो क्या बनाए फिर लाइफ में, है ना। यूट्यूब पे डाल रहे हैं ना, बाद में देखना पड़ेगा, यही बातें बाद में याद आएगी। ऐसा कुछ तो किया था। चलो भाई सही है। मस्त नजारे। रोड ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत खराब है, थोड़ी बहुत पार्ट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और अच्छा है वैसा होता ना थोड़ा तो और मजा आता, बाकी तो बढ़िया। भी अभी तारीफ कर रहा था मैं इस जगह की और फिर ट्रैफिक में फंस गए गाइस हम लोग, और भाई क्या बोलने का, निकल रहे हैं धीरे धीरे करके एक के पीछे एक। एक बात मुझे अच्छी लगी कि सब लोग सिस्टमेटिकली गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी बीच बीच में नहीं क्या साइड से जाके घुसने की वो नहीं कर रहा है, नहीं तो हमारे यहाँ पे वैसा बहुत होता है यूजुअली। देखते हैं भाई गड्ढे। बताया जाए तो ऐसे ट्रैवल वाले व्लॉग शूट करने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आती है, और पर्सनली मैंने तो कभी कार से घूमते हुए व्लॉग नहीं बनाया। मोटो व्लॉग तो खैर काफी सारे बनाए हैं हमने बहुत पहले भी, तो कार के साथ हम आज पहली बार व्लॉग कर रहे हैं, सो काफी मजा आ रहा है मुझे। ये गाड़ी देखो भाई, अवंती अवंती डीसी अवंती, खतरनाक भाई, ऐसे खड़ी है जैसे कि फ्लाइट लेने के लिए तैयार हो भाई। बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया। दिल खुश हो गया, सही टाइम पे व्लॉग शुरू किया। गांव के अंदर से होते हुए रास्ते है ना, तो थोड़ा स्लो जाना पड़ रहा है, हाईवे वगैरह रहता तो 50-60 किलोमीटर का डिस्टेंस करने में मुश्किल से घंटा, मुश्किल से एक घंटे के अंदर अंदर ही हम लोग पहुंच जाते, 45 मिनट्स या फिर एक घंटा, नहीं तो फिर डेढ़ घंटा यहाँ से भाई गांव के रास्ते होने की वजह से ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिलहाल 4 बजे तक तो पहुंच जाएंगे, उसके बाद 4:30-5 बजे तक दर्शन कर लेंगे गणपति जी के और फिर वापस आने के लिए निकल जाएंगे भाई। खेती बाड़ी भी है यहाँ पे बढ़िया वाली, है ना, उस बोलते हैं इसको हमारे यहाँ पे, शुगर केन जो भी रहता है, शुगर केन की खेती है यहाँ पे। तो ऐसे जो रोड्स होते हैं ना जो खेती के अंदर से जा रहे होते हैं, तो उस रोड्स में बहुत ज्यादा मजा आता है भाई। तो नेचुरली एस्पिरेटेड टर्बो है जो भी है या नहीं है पता नहीं, तो इसमें 1000 या फिर 3000 आरपीएम के बाद जो पावर आती है ना वैसा एकदम लैग करके जाती है गाड़ी बढ़िया से, जुड़े रहिए। देखो भाई हम लोग, हाँ पकड़, माउंटेन व्यू वाले रोड पे। सो अभी सिर्फ 58 मिनट्स बचे हैं पहुंचने के लिए, काफी बढ़िया मौसम हो रहा है आज, बहुत ही बढ़िया बारिश, मतलब कई जगह पे धूप पड़ी है और कई जगह पे ऐसा वो हो रहा है ना, कई जगह पे बारिश हो रही है तो कई कई जगह पे एकदम कड़ी धूप पड़ी है भाई, बहुत बढ़िया।
हाइवा वगैरह जो भी कंपनी है ना, तो ये सब वो ये वाले रोड पे है। धीरे धीरे आदत सी हो जाएगी ना। ये देखो भाई, ये ऐसे बढ़िया से व्यूज है ना ये वाले रोड पे आते जाते, तो बढ़िया वाइब है काफी ज्यादा। वैसे ये वाले एरिया में ज्यादातर कभी मेरा आना जाना होता है नहीं, पर फिर भी जो भी है बढ़िया है। सो गाइस, फिर से हम वापस ट्रैफिक में फंस चुके हैं और यहाँ से सिर्फ 49 मिनट्स 28 किलोमीटर्स और बाकी रह गया है अपना सफर। उधर जाएंगे, थोड़े बहुत गाड़ी के भी सिनेमैटिक्स निकालेंगे। भाई अपनी गाड़ी तो पुरानी है, लेकिन भाई बीस्ट है, बीस्ट। मतलब ये वाली गाड़ियों में जो बात है ना, वो अभी वाली गाड़ियों में नहीं है। मतलब टू बी ऑनेस्ट, जो कि ओरिजिनलिटी फील होती थी ना फोर्ड की, इसमें जो हेवीनेस फील होता था, भले ही ठीक है इसका स्टेयरिंग बहुत ज़्यादा रफ रहेगा पावर स्टेयरिंग के हिसाब से, पर फिर भी इसमें जो बात थी ना, वो अभी की गाड़ियों में नहीं है, मुझे तो फील होती नहीं है। ये है फिर अथर्व की जो पोलो है अपनी रेड वाली, उसका भी व्लॉग आपने देखा रहेगा, तो वो भी बहुत बढ़िया है भाई। अपने जो पुरानी वाली गाड़ियों में बात थी ना, वो बात ही कुछ अलग थी। सो गाइस, फाइनली हम लोग हाईवे पर लग चुके हैं। थ्री लेन वाला रोड अपन ने देख लिया है आज के दिन में। मैं तो अभी तक चल रहे थे तो सिर्फ खड्डे 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 वाले रोड थे। दिस इज नॉट अ टोल, शायद इसको शिफ्ट करके आगे लेकर कहीं तो पे गए हैं ऐसा लग रहा है। जो भी हो, बढ़िया वाला रोड है ये, नगर हाईवे है शायद, अहमदनगर रोड, नगर रोड बेसिकली जिसको कहते हैं, तो वही वाला रोड है ये शायद। यूजुअली ये रोड आपको कभी खुला नहीं दिखेगा, खास करके वाघोली वाले एरिया में जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, पर लग बाय चांस अभी सही टाइम पे आ चुके हैं हम लोग, इसलिए थोड़ा ट्रैफिक अपने को कम देखने को मिल रहा है। बढ़िया रोड है, 46 मिनट्स में 26 किलोमीटर है, हम लोग पहुंच जाएंगे जल्द से जल्द और फिर आपको उधर चल के मिलते हैं। तो ये बहुत बढ़िया सा ब्रिज है, इसका स्ट्रक्चर जो है काफी पुराना लग रहा है। मेरे को एग्जैक्टली इसकी हिस्ट्री के बारे में पता नहीं, बट जो भी है पत्थर में बांधा गया है, इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैंने भीमा रिवर के ऊपर वाला ब्रिज है, इसके नीचे से भीमा रिवर जाती है। काफी बढ़िया हाईवे है गाइस, तो यहाँ पे आराम से आप 70 से 80 की स्पीड से क्रूज कर सकते हो और मजा आएगा। बिल्कुल भी ट्रैफिक वगैरह फिलहाल तो नहीं है, पर गांव आने के पास, मतलब गांव जब पास आते हैं ना कोई कोई, तो उधर सिर्फ थोड़ा बहुत ट्रैफिक होता है, बाकी ऐसे इधर ज्यादा बहुत भीड़ नहीं है, तो मजा आ रहा है। और काफी बढ़िया सा मौसम है, एक बार भाई मौसम दिखा दो थोड़ा आगे लेके जूम करके। बहुत बढ़िया मौसम है और आज का दिन बहुत बढ़िया है भाई। संडे वैसे भी क्या, घर में कुछ काम था नहीं, तो मैंने सोचा और अथर्व ने भी सोचा कि चलो भाई तो घूमने निकलते हैं। हम लोग एक तो टू व्हीलर लेके इवेंट में गए थे, फिर वहाँ पापा वगैरह थे तो उनके पास से गाड़ी उठा ली और फिर पापा को टू व्हीलर दे दी और हम कार लेके इधर घूमने आए। और भाई मैं बोला था मम्मी को कि कोई तो मॉल या फिर इधर तो जगह पे जाके टाइम पास करेंगे थोड़ी देर और वापस घर आ जाएंगे, और अभी कॉल करके सीधा बता रहा हूँ भाई हम जा रहे हैं रांझणगांव गणपति को दर्शन करने के लिए। थोड़ा सा वियर्ड लगता है पर है भाई, ऐसा ही कभी कभी सडन प्लान्स ऐसे ही होते हैं। प्लान करके अगर चीजें करोगे ना तो ज्यादातर सक्सेसफुल नहीं होगी कभी। देखो भाई अभी फिलहाल तो सिर्फ 15 किलोमीटर बचा है डिस्टेंस बिल्कुल, और इतना ज्यादा रेड, इतना मतलब डार्क रेड से भी ज्यादा रेड, ये मरून सा शेड हो गया है ट्रैफिक का। तो 34 मिनट्स बता रहा है सिर्फ 15 किलोमीटर जाने के लिए। यूजुअली लगता है भाई ठीक है समझ सकते हैं 15 किलोमीटर जाने के लिए आधा घंटा, पर फिर भी ये जो प्लस 11 मिनट्स इधर ये बता रहा है ना भाई, कब से फंसे हुए हैं हम लोग ट्रैफिक में, बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं भाई। तो शायद अब ट्रैफिक में व्लॉग करने से कुछ वो सेंस तो बनता नहीं है, सीधा वही चल के मिलेंगे भाई फिर। अब 15 किलोमीटर ही बचा है वैसे भी, तो सीधा वही चल के मिलते हैं आपको। सिल्वर कलर की गाड़ी है, बड़ी डिसेंट सी लगती है बाहर से भी, और यहाँ पे एक फोर्ड फिगो है येलो कलर में खड़ी है गाइस। जो भी हो भाई, मतलब येलो कलर की तो आती नहीं है, पेंट करा के लिए होगी भाई, शौकीन लोग हैं इंडिया में बहुत है ना। भाई सही है, हर एक का दिखने का नजरिया अलग होता है भाई। येलो कलर में फोर्ड फिगो में पहली बार देख रहा हूँ यार, सही है भाई। बहुत बढ़िया वेदर हो रहा है और क्या बढ़िया सी रोड लगी है भाई, ट्रैफिक फिल्टर करने के बाद जो रोड लगी है ना एकदम मस्त, ऐसे टर्न होते हुए बाजू में ग्रीनरी है फुल,
बहुत ही बढ़िया रोड है भाई, बहुत ही बढ़िया रोड है। अब सिर्फ 6 मिनट बचे, 4 किलोमीटर का अंतर अपने को काट लेना है। मुश्किल से 5 से 6 मिनट में अपन लोग पहुंच जाएंगे। सो इतना बढ़िया रोड है ना, मैंने कहा कि ब्लॉग में दिखा दिया जाए भाई, एकदम पेट्रोल के पैसे वसूल हो गए भाई। तो रोड आप देखो यार आगे में, इतना बढ़िया है ना, मतलब ऐसी गाड़ी और ऐसा रोड भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फिलहाल वेदर बहुत बड़ा, मतलब बादल हेवी हो रखे है, कभी भी बरस सकते ऐसा लग रहा है। ऊपर देख के पूरे काले बादल छाए हैं। मे भी शाम होने को आई है, नहीं फिर भी 4:15 बजे अभी फिलहाल। सो पता नहीं भाई, बारिश हो सकती है शायद, ऑन द वे बैक होम अपने को बारिश मिल सकती है शायद, देखेंगे जो भी होगा। वैसे भी आज कार से घूम रहे हैं तो बारिश आने के बाद भी अपने को कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। ओके सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं, गाड़ी वाड़ी हमने पार्क कर ली है। फिर नीचे महादेव जी का मंदिर है। श्री महादेव जी की पिंड है यहाँ पे, एंड दिस इज बिल्ट ओवर विहीर। वीर इज नथिंग बट वेल, हमारे यहाँ पे उसको विहीर कहते हैं। सो ये विहीर मतलब वेल है, बोरवेल, तो उसके ऊपर ये बनाया गया है स्ट्रक्चर और यहाँ पे ऐसा मंदिर किया गया है। सो काफी बढ़िया है ये। गाइस बहुत ही बढ़िया तरीके से दर्शन ले लिए हैं, एंड फाइनली अब व्लॉग को करते हैं एंड। ज़्यादा लंबा खींचने में व्लॉग को कोई मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जाते वक्त वही सेम रोड से जाने वाले और ट्रैफिक भी रहने वाला है, तो व्लॉग करने में कोई पॉइंट नहीं है। और बस मेन जो मोटिव था व्लॉग का वो यहीं पर ख़त्म होता है। आ गए हम लोग, दर्शन कर लिए एंड आ जाओ जी प्रसाद ले लो। इसीलिए मैंने सोचा कि ये व्लॉग को यहीं पर एंड करना सही रहेगा, ज़्यादा लंबा खींचा जाए तो। बस मैं एक शॉर्ट एंड सिंपल स्वीट ब्लॉग रखना चाहता था, इसलिए इसको ये पेंट करते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय। Never listen to the noise, I just wanna keep moving, keep my head up when I act, head up that's a fact, never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath, see my message start to spread, and I had so many dreams, when you hit your teens, life ain't really what it seems, try to find out what it means, always do it on my own, so I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing, never give up, never slow.